A very welcome to all of the my listeners and viewers. Today we are going to start a very important chapter of English grammar. First of all, we should know about grammar. What is grammar? व्याकरण क्या है? Grammar is actually or really the system of a language. Nowadays, there are frequently asked the questions of grammar in all type of competitive examination. So, it is necessary that we should prepare for it. Today, we will study the English grammar in the main context of competitive exams so that we can get maximum score in the exams and success. So, comes and let's start. What is grammar? व्याकरण क्या है? व्याकरण वास्तव में किसी भी भाषा का प्रणाली है. लोग इसे प्राय भाषा के नियम के रूप में विस्तृत करते हैं, पर वास्तव में भाषा की कोई नियम नहीं है. यदि हम नियम की बात करें तो नियम पहले बनते हैं, फिर खेल की तरह भाषा. भाषा की शुरुआत शायद इस तरह नहीं हुई. वास्तव में भाषा एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से भावनाओं का आदान प्रदान है. वक्त के साथ शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों में लोग इसे विकसित करते गए और वह आज भाषा या बोली के रूप में लिए. सभी भाषाएं समय के साथ बदलती रहती हैं, जिसे हम व्याकरण कहते हैं. व्याकरण वास्तव में किसी विशेष समय में भाषा का प्रतिबिंब है. तो क्या हमें भाषा सीखने के लिए व्याकरण का अध्ययन की आवश्यकता है? तो मेरा जवाब होगा नहीं. दुनिया में कई लोग व्याकरण के अध्ययन किए बिना सरलता और निपुणता से बोलते हैं. हमें ही लीजिए, हमें हिंदी व्याकरण का कितना ज्ञान है और हम किस तरह से बोलते हैं. लेकिन यदि बात हो अपने मातृभाषा के अलावा अन्य भाषा सीखने की, तो शायद पहले हमें व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए. यदि यह आपको कुशलता, तेजी और सरलता से सीखने में मदद करता है. जब एक भाषा की प्रणाली व्याकरण को समझते हैं तो आप किसी व्यक्ति या किताब के बिना ही समझ सकते हैं. तो व्यूअर्स, एज वी नो, जनरली वी यूज वर्ड्स इन जनरली लेट्स एंड कम स्टार्ट्स. टुडे आवर टॉपिक इज सेंटेंस, वाक्य. जनरली वी यूज वर्ड्स इन ग्रुप्स. ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. इन अदर वर्ड्स वी कैन से ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस. इट इज वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस. द ग्रुप ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कैन एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट. वह शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं. लफ्ज़ों के मजमुआ को हम सेंटेंस कहते हैं, जुमला कहते हैं. हिंदी में वाक्य रचना निम्न प्रकार से है: कर्ता, क्रम, क्रिया. अंग्रेजी में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब. जैसे यहाँ झनकार खाना खा रहा है. This is the example. Should always turn of a sentence in English. कर्ता, क्रिया, क्रम. कर्ता सब्जेक्ट को कहते हैं, वर्ब क्रिया को कहते हैं और ऑब्जेक्ट क्रम होता है. जैसे झनकार इज ईटिंग द फूड. झनकार खाना खा रहा है. सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन हु. हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ कौन या किसने का उत्तर बताने वाले शब्द कर्ता कहलाता है. भर, भर मीन्स एक्टिविटी, काम. भर्ब टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट. कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है. ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट और हुम. हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ क्या या किसने का उत्तर बताने वाले शब्द क्रम या ऑब्जेक्ट कहलाते हैं. नाउ वी रीड द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. Each sentence has a subject to speak about and say or predicate something about that subject. So every sentence has two parts. There are two parts of the sentence. Number one, subject. A person and thing about which something is said to know is known as subject. वाक्य का वह भाग जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की जानकारी हो कर्ता कहलाता है. नंबर टू, प्रेडिकेट. समथिंग विच इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. वाक्य का वह भाग जो कर्ता के बारे में कुछ कहे, विधेय या प्रेडिकेट कहलाता है. एग्जाम्पल, झनकार इज ईटिंग द फूड. यहाँ झनकार सब्जेक्ट है
एंड इज ईटिंग द फूड प्रिडिकेट है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में देर आर टू पार्ट्स। नंबर वन इज सब्जेक्ट एंड नंबर टू इज प्रिडिकेट। सब्जेक्ट वो होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु की जानकारी हो, वो कर्ता कहलाता हो, जिससे कोई भी व्यक्ति या कोई चीज़ के बारे में आपको पता चल रहा है कि तो वो सब्जेक्ट है। और प्रिडिकेट वो है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बात बता रहा हो, कह रहा हो, वो प्रिडिकेट कहलाता है। नेक्स्ट, वी नो अबाउट द, वी विल नो अबाउट द काइंड्स ऑफ सेंटेंस। जनरली सेंटेंस आर फाइव टाइप्स। नंबर वन करेक्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, थ्री इम्परेटिव सेंटेंस, फोर ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड फाइव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। करेक्टिव सेंटेंस, इसमें दो तरह के सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव एंड नेगेटिव। हम आम बोलचाल में इसको कहेंगे हाँ वाले जुमले, जिसको हम एफर्मेटिव कहते हैं। और सेकंड जो है वो नेगेटिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस मींस दो तरह के होते हैं, हाँ वाले जुमले और नहीं वाले जुमले। नंबर टू नेगेटिव सेंटेंस, सिर्फ सवालात होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको विस्तार से देखेंगे। नंबर वन असर्टिव सेंटेंस, निश्चयात्मक वाक्य। ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। वे वाक्य जिसमें साधारण रूप से कोई बात या कथन कहा जाए, उन्हें साधारण या निश्चयात्मक वाक्य कहते हैं। सेंटेंस दो तरह के होते हैं, असर्टिव सेंटेंस ऑफ टू पार्ट्स। असर्टिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस। ए सेंटेंस विच स्टेट्स समथिंग विच शोज अफर्मेशन इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। वे वाक्य जिसमें स्वीकार योग्य कथन कहा गया हो, सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, झनकार एक होशियार लड़का है, झनकार इज एन इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ पे झनकार के बारे में पॉजिटिव बात हो रही है, इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। नंबर बी नेगेटिव नकारात्मक सेंटेंस। ए सेंटेंस विच स्टेट्स समथिंग विच इट शोज डिनियल इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। वे वाक्य जिनमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होता हो, नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल, सुनील एक होशियार लड़का नहीं है। सुनील इज नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय, इज नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय, होशियार लड़का नहीं है। तो हमने देखा कि असर्टिव सेंटेंस में दो टाइप्स हैं, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। दो तरह की बातें होती हैं, में जो भी बातें होगी वो पॉजिटिव होंगी, नकारात्मक में जो भी बातें होंगी वो नेगेटिव होगी। टू नंबर इंटरोगेटिव सेंटेंस, अचक वाक्य। ए सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चंस और इंक्वायरीज अबाउट समथिंग इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। वे वाक्य जो प्रश्न पूछे या किसी के बारे में खोज करें, ये प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। ए सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन और इंक्वायरीज अबाउट समथिंग इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस के भी दो टाइप्स हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ टू टाइप्स, सेंटेंसेस स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले वाक्यों का उत्तर हाँ या ना में आता है। क्या सुनील एक ईमानदार लड़का है, इज सुनील एन ऑनेस्ट बॉय। क्या राम पढ़ रहा होगा, विल राम बी रीडिंग। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज विल, ये हेल्पिंग वर्ब है। आपको बताते चलें कि इज एम आर वाज वेयर शैल विल वुड, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहले आते हैं, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस के का मतलब ही है प्रश्नवाचक वाक्य, सवाल पूछने योग्य सेंटेंस। सेंटेंस स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन वर्ड एंड सेकंड वन है क्वेश्चन, ऐसे सेंटेंस जो स्टार्ट ही होते हैं डब्ल्यू एच वर्ड से। प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्य में किसी तथ्य की पूर्ण खोज की जाती है। एग्जाम्पल, तुम्हारा प्रधानाध्यापक कौन है, हु इज़ योर हेड मास्टर। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम।
यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड वाज, वेयर डू लिव, तो ये प्रश्नवाचक सेंटेंस हैं कि उदाहरणें हैं, एग्जांपल्स हैं। दो तरीके से प्रश्नवाचक सेंटेंस बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाले। थ्री, इम्पेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य, विच शोज ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, प्रोहिबिशन एंड रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। वाक्य, वह वाक्य जिसमें आज्ञा, सलाह, सुझाव, प्रार्थना आदि हो, आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें लगे कि कोई ऑर्डर हो, मिल रहा हो, कोई सलाह मशवरा हो, सुझाव हो, रिक्वेस्ट हो, तो ये जो चीज़ें हैं ये इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आती हैं, आज्ञा सूचक वाक्य। यहाँ आइए, कम हेयर, दिस इज ऑर्डर, कृपया दरवाज़ा बंद कीजिए, प्लीज शट द डोर, रिक्वेस्ट, धूमपान मत कीजिए, डोंट स्मोक, प्रोहिबिशन, यहाँ पे किसी चीज़ से मना किया जा रहा है कि आप स्मोक मत कीजिए, सिगरेट, गुटखा, ये सब मत खाइए, डू नॉट स्मोक, प्रोहिबिशन है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, ये चीज़ें इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाती हैं। फोर, सेंटेंस, कामना सूचक वाक्य, ए सेंटेंस विच शोज ए विश, अ ब्लेसिंग और ए प्रेयर इज नोन एज ऑपरेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक जिसमें इच्छा, प्रार्थना या शुभकामना आदि दर्शाते हों, कामना सूचक वाक्य कहलाते हैं। अंग्रेजी में ऐसे वाक्य विश या मे से प्रारंभ होते हैं, तो बता रहे हैं एग्जाम्पल, आपकी यात्रा सुखद हो, विश यू हैप्पी जर्नी, भाग्योदय हो, विश हिम बेस्ट ऑफ लक, ये एक ब्लेसिंग है, एक दुआ है, भगवान आपको लंबी उम्र दे, आयु दे, मे यू लिव लॉन्ग, यह विश करते हैं, भगवान आपकी मदद करे, मे गॉड हेल्प यू, ये हम प्रेयर करते हैं। मे से प्रारंभ होने वाले कामना सूचक वाक्यों ऑपरेटिव सेंटेंस के अंत में या दीबोधक चिन्ह लगाते हैं, जो आश्चर्य का वो जो चिन्ह होता है वो लगाते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस में। सेंटेंस नंबर फाइव, दीबोधक वाक्य, ए सेंटेंस विच शोज मेंटल पैसेंस, थॉट्स, सडन फीलिंग ऑफ माइंड इज नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वह वाक्य जो अचानक आए हुए विचारों या मानसिक भावनाओं को प्रकट करें, बोधक वाक्य कहलाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मतलब वो आश्चर्य का वो चिन्ह, ताज्जुब का निशान लगाते हैं। हमारी टीम ने मैच जीत लिया है, हुर्रा, और टीम हैज ओन द मैच, ओह अनिल यहाँ है, ओह अनिल इज हियर, ओह ओडिशा में कई लोग मरे, लास्ट मेनी पीपल डाइज इन ओडिशा। ये सेंटेंस हमें बता रहे हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इस तरह से होते हैं, जहाँ पे खुशी का या फिर गम का इजहार करते हैं, को प्रकट करते हैं। हाउ का प्रयोग करके भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाए जाते हैं, क्योंकि अंत में सहायक क्रिया का या क्रिया के बाद में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे जानकार कितना अच्छा लड़का है, व्हाट ए गुड बॉय जानकार इज, वे कितने धीरे चल रहे हैं, हाउ स्लोली दे आर वॉकिंग, अच्छा लड़का है, व्हाट ए बॉय, व्हाट ए गुड बॉय जानकार इज, वे कितने धीरे चल रहे हैं, हाउ स्लोली दे आर वॉकिंग। व्यूअर्स, आई होप दैट यू मस्ट हैव अ लॉट ऑफ बेनिफिट, लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट सेंटेंस। सी यू एंड बाय बाय।